नमस्कार उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ओलंपिक में देश का परचम लहराने के बाद हरिद्वार पहुंच गई हैं, जहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से वंदना कटारिया ने सीधा हर की पौड़ी पहुंचकर माँ गंगा की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली वंदना कटारिया आज भारतीय महिला हॉकी टीम की पहचान बन चुकी हैं। हैट्रिक लगाने के बाद वंदना कटारिया का ये हरिद्वार का पहला दौरा है। इस दौरान हरिद्वार में कई जगहों पर कई राजनीतिक सामाजिक दलों और स्थानीय लोगों के द्वारा वंदना कटारिया का पुष्पमालाओं की वर्षा कर गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया गया। बताते चले कि वंदना कटारिया पहले भी ओलंपिक में हॉकी खेल चुकी हैं। आपको बता दें हरिद्वार के जिस स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज वंदना कटारिया का स्वागत जश्न मनाया गया है, यह हरिद्वार का वही स्पोर्ट्स स्टेडियम है जहां से वंदना कटारिया ने कभी अपने हॉकी खेल का आगाज किया था। इस दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे, विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर आदि मौजूद रहे। वंदना आगे के लिए क्या कुछ आपके प्लान? नेक्स्ट ईयर मेरा एशियन गेम्स का वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी। आज मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है और मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अभी 10 दिन पूर्व ही मुझे जनपद जिलाधिकारी का दायित्व प्राप्त हुआ और मेरा सौभाग्य है कि आज हम सब की बेटी, हम सब की छोटी बहन वंदना कटारिया यहाँ आई हुई है। और वंदना के लिए तो गौरव ही है, इस पूरे देश के लिए उसने जो किया है, लेकिन मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं उस जिले का जिलाधिकारी हूँ जहाँ की बेटी वंदना है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, वंदना बिटिया ने इसी स्टेडियम से अपना प्रारंभिक तैयारी प्रारंभ की थी और उस समय मैंने स्वयं उसको प्रोत्साहित किया था। कृष्ण कुमार यहाँ पर जिला क्रीड़ा अधिकारी थे और आज वो देश और दुनिया की बुलंदियों के ऊपर है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरी अभी एयरपोर्ट से उतरते ही उनसे बातचीत हुई है और मैंने बिटिया से आग्रह किया है कि कल या परसों में ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में उनका बड़ा अभिनंदन करना चाहते हैं, तो समय के अनुसार आज उनसे वार्ता हो जाएगी। वो राजवीर और सतपाल जी उनके साथ हैं, मेरी बिटिया से अभी बात कराइए। तो हम चाहेंगे कि उनका अभिनंदन दुनिया में देखा जाए। टोक्यो के अंदर जो हैट्रिक लगाकर वंदना बिटिया ने वंदना कटारिया को दुनिया में लोकप्रिय किया है, हम उनका इस उत्तराखंड की धरती के ऊपर, सर जमी के ऊपर, इस रोशनाबाद के स्टेडियम के अंदर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमारे समाज की एक ऐसी बिटिया जिसने देश और दुनिया में इस हॉकी मैच को खेलकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए, नहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए, दुनिया में वंदना कटारिया का नाम रोशन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से देहरादून से टिहरी के बीच डबल लेन टनल बनाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें इसके निर्माण से देहरादून से टिहरी झील की दूरी 105 किलोमीटर से घटकर महज 35 किलोमीटर ही रह जाएगी, यानी 3.30 घंटे का सफर 45 से 60 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वहीं राजपुर से प्रस्तावित टनल के निर्माण पर 8,750 करोड़ खर्च का अनुमान है। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बुधवार को दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस के अंदर जब कई महीनों से बंद पड़े कमरे का ताला तोड़ा गया तो कमरे के अंदर कोविड-19 के दौरान पीड़ितों के लिए लाई गई राहत सामग्री मिली। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित होकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के कमरे में लगे ताले को तोड़ दिया। जब कमरे के अंदर का नजारा देखा तो सब हैरान रह गए। कमरे के अंदर एक संस्था के नाम से लिखे हैंड सैनिटाइजर और सैकड़ों की संख्या में कंबल रखे हुए थे। मौके पर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधायक के एक प्रतिनिधि ने कोविड-19 के दौरान जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध ना कराकर कमरे में छिपा दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान इस सामग्री का गलत उपयोग करने की नीयत साफ झलक रही है।
वहीं कार्यकर्ताओं ने मामले में उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें जल्द से जल्द जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि यदि मामले को दबाने की कोशिश की गई तो कार्यकर्ता सैकड़ों पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल देर शाम श्रीनगर पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रीनगर स्थित गोला पार्क पहुंचकर सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। पार्क के गेट पर ताला लगा होने के कारण गणेश गोदियाल पार्क की लोहे की दीवार नंगे पैर फांदकर महात्मा गांधी की मूर्ति तक पहुंचे। वहीं गोदियाल ने मंच से बीजेपी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना में जनता एक एक बेड के लिए अस्पतालों में लड़ती रही। गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के घमंड को चूर चूर करने के लिए वो प्रदेश के हर गांव में जाएंगे, जनता के बीच संघर्ष यात्रा करेंगे। जो सरकार कोविड महामारी में घोटाला कर सकती है उस सरकार को जनता की कितनी परवाह होगी ये अब जनता जान चुकी है। उन्होंने भू माफिया और भू कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस सरकार नया सशक्त भू कानून जनता को देगी, कौड़ियों के दाम में प्रदेश की जमीनों को बिकने नहीं दिया जाएगा। इस जन विरोधी सरकार को, जिसको कि आम जनता बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई है, इसको तख्त से उतारना है, इनके घमंड को चूर करना है। आम जनता के साथ इन्होंने बड़ा छल किया है और आम जनता को न्याय दिलाने के लिए ये हमारे संघर्ष की यात्रा है। जिन्होंने टीकाकरण के नाम पर इतना बड़ा करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया और वो आस्था की बात करते हैं, ये सब ढकोसले हैं, ये सब बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं। और इसी अलग को जगाने के लिए मैं पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव घर-घर घूमूंगा। जो उत्तराखंड के आने वाली नस्लों के लिए उनकी बपौती की जमीन को सुरक्षित रख सकता हो ऐसा भू कानून हमें चाहिए। शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का, देवेंद्र यादव जी का, शीर्ष नेता। और जैसा कि मैं लगातार देख रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने देवदन से अपने आगमन शुरुआत की थी, उस तरीके से लगातार जैसे उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो सैलाब जनता के बीच उड़ा उसे प्रतीत होता है कि पूरा उत्तराखंड का आज एक उन्होंने मैसेज कर दिया है कि ऐसे व्यक्ति को जो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो एक नेतृत्व दिया है उसे प्रतीत हुआ। वास्तव में ये बहुत जुझारू कर्मठ ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और जनता के समर्पित है, जो कि आज जैसा कि आपको देखने में लग रहा है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर क्षेत्र में एक जुन ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कहीं है ही ना, केवल एक तरफा कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रहा। मैं जैसे देख रहा था कई किलोमीटर लंबी लाइन यहाँ पर पब्लिक की दिखी, चाहे रोड मार्च की हो, चाहे पब्लिक की हो, चाहे गाड़ियों से हो, चाहे अदर महिलाओं से हो, युवाओं से हो, हर बुजुर्ग इंसान पूरा जुनून के साथ में यहाँ पर उमड़ा है। और इससे प्रतीत होता है कि आज ये बिगुल बच गया है और उसे शीर्ष नेतृत्व का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उन्होंने ऐसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को यहाँ पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड का जो अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं सबका तमाम क्षेत्र की जनता की ओर से, उत्तराखंड की ओर से, अपने कोट ब्लॉक की ओर से और अपने क्षेत्रीय गढ़वाल मंडल की ओर से पूरे शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तराखंड में मजबूत भू कानून का समर्थन किया है। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार बाहरी लोगों को जमीन बेचकर प्रदेश को बेचने का काम कर रही है। आपको बता दें, बुधवार को टिकैत देहरादून में मौजूद थे, जहां उन्होंने मजबूत भू कानून का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर प्रदेश में विलेज टूरिज्म पॉलिसी लागू करने और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लागू करते हुए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वाले लोगों को सब्सिडी देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने चीन बॉर्डर के पास स्थित गांवों को अलग जोन बनाने और उनके संरक्षण के लिए अलग नीति बनाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि मैदानी इलाकों के लोगों को पहाड़ों में सेवा देने पर कई लाभ दिए जाते हैं, इसी तरह हिल पॉलिसी के तहत पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि पलायन पर रोक लगाई जा सके। इस दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानून वापस नहीं लिए जाने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा और उत्तराखंड सरकार भी अगर किसानों की मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। बता दें कि काफी समय से उत्तराखंड में मजबूत भू कानून की मांग चल रही है। यह मुद्दा सोशल मीडिया से उठा था और अब राजनीतिक पार्टियों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया है।
वहीं उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खुरपिया फार्म से अज्ञात व्यक्ति का 4-5 दिन पुराना शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं खुरपिया फार्म में शव मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, क्षेत्राधिकारी वीर सिंह और कोतवाल चंद्रमोहन ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह ने बताया है कि किच्छा कोतवाली के ग्राम खुरपिया फार्म क्षेत्र में झाड़ियों के अंदर 4-5 दिन पुराना शव मिला है। पुलिस टीम की तरफ से शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द मामले का पता लगाया जाएगा। यहाँ पे अज्ञात शव मिला है तो अब इसके हम अगल बगल छानबीन कर रहे हैं और पंचायतनामा करके हम इसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। बस अभी पूछताछ कर ही रहे हैं, जस्ट अभी पता चला है। और अभी वैसे बॉडी पे ऐसे कोई चोट के निशान तो अभी ऐसे लग नहीं रहे, लेकिन जो भी है वो उसमें पोस्टमार्टम में आ जाएगा। कितने दिन पुरानी बॉडी लग रही है सर? ये 2-3 दिन पुरानी होगी ऐसा लग रहा है अभी, बाकी वो सब पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो। सरोवर नगरी नैनीताल में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव कार्यक्रम की नैनीताल वासियों और ग्रामीण वासियों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं। इस बार दोबारा 11 से 17 सितंबर तक होने वाला नंदा देवी महोत्सव शासन की तरफ से जारी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार आयोजित होगा। ये बात जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्वयाल ने नंदा देवी मेला आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कही है। गर्वयाल ने मेला आयोजन समिति से कहा कि पिछले साल की तरह इस साल नंदा देवी महोत्सव की तैयारी करें। उन्होंने कहा अभी मेला आयोजन में काफी समय है, इसलिए मेले की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा और तैयारियां उस समय कोविड की परिस्थितियों और गाइडलाइन के अनुसार सितंबर महीने के पहले सप्ताह में तय की जाएंगी। प्रशासन मेला आयोजन समिति के साथ है, आवश्यकता अनुसार सहयोग किया जाएगा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा, संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन समेत तमाम लोग मौजूद रहे। डिस्कशन हमारा इनके साथ हुआ है। देखिए हमें सारी आस्था को भी अपना सबको देखना है, लेकिन साथ ही साथ कोविड के प्रोटोकॉल का भी उसका भी हमें अनुपालन करना है। तो हमने उनको यही एश्योर किया कि अभी उस हिसाब से तैयारी करें जैसा उन्होंने लास्ट ईयर पूजा अर्चना करते समय की थी। अगर सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में जब हमारी एक और मीटिंग उनके साथ होगी, उस समय जैसी परिस्थितियां होंगी उसी हिसाब से हम लोग फिर आगे की कार्रवाई हेतु और जो भी दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से और जैसे भी डायरेक्शंस हमें जारी होते हैं उसी हिसाब से हम राम सेवक सभा को निर्देशित करेंगे कि वो किस हिसाब से उनको ये पूजा अर्चना करनी होंगी। हम लोगों ने उनको कह दिया है कि आप लोग को जितनी धनराशि की आवश्यकता है तो उसकी सूची हम लोगों को उपलब्ध करा देंगे, क्या क्या कार्य हम लोगों ने किए जा करने हैं तो उस हिसाब से हम लोग उसको अरेंज कर देंगे। और हमने उनको एश्योर किया कि हम उनको पूरा सहयोग प्रदान करें। ऋषिकेश में शहर की सड़कों पर ई रिक्शा और टेम्पो चलाने को लेकर एक बार फिर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मामला एसडीएम के दरबार तक पहुंच गया। दरअसल ई रिक्शा चालकों का आरोप है कि टेम्पो चालक उन्हें शहर के मुख्य मार्गों पर चलने से रोक रहे हैं। कई बार टेम्पो चालकों के द्वारा बदसलूकी और हाथापाई भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस प्रकार का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों पक्षों को प्रशासन ने बैठाकर शांति व्यवस्था बरकरार रखने की अपील की थी, पर बावजूद इसके टेम्पो और ई रिक्शा चालकों के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं मामले में एसडीएम ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को दोनों पक्षों को बैठाकर समस्या का निराकरण करने के आदेश जारी किए हैं। आज पहले भी 6 महीने पहले हमने इनका विवाद हुआ था उसको सॉर्ट आउट करा था, और आज फिर हमने जब हमने देखा कि फिर विवाद बढ़ रहा है तो एसडीएम मैडम के माध्यम से हमने मैडम को ज्ञापन दिया कि इनका मामले को सॉर्ट आउट करा जाए, क्योंकि अगर झगड़ा बढ़ेगा तो बहुत सबको ही नुकसान होगा। दूसरा, टेम्पो वालों का बोलना है कि ई रिक्शा वाले जो है रोड पे ना चलें, वो गलियों में चलें, तो ऐसा कोई लीगल प्रावधान नहीं है। और बल्कि सरकार ने तो उल्टा जो ये ई रिक्शा वाले हैं इनको प्रमोट करा जा रहा है कि क्योंकि इनसे प्रदूषण नहीं होता है, और टेम्पो वालों का भी कोई विरोध नहीं है। अगर मिल के आप काम करते हैं तो सबको ही फायदा है, और एक आपसी समन्वय बना के, और इसमें राजनीति ना हो, आपसी समन्वय बना के हम अपने क्षेत्र में जिसको सही लगता है, यात्री
जिसको जहाँ सस्ता लगेगा वो उसमें बैठेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर फिर ये कोई विवाद बड़ा है, और मेरा ये बोलना है कि विवाद आपस में नहीं होना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए ही हम लोग काम करें। हमने बोला है कि ये CEO को मार्क कर दिया है, उनके माध्यम से उनका बोलना है कि दोनों यूनियनों के जो सदस्य हैं उनके बैठा के आपस में चर्चा करी जाए और चर्चा के माध्यम से इसका निष्कर्ष निकला जाए। और उनका सीधा ये बोलना है कि मेरे को कोई अधिकार नहीं है या किसी को कोई अधिकार नहीं है कि रिक्शा वालों को रोका जाए या उनके लिए बाउंडेशन बनाया जाए कि आप गलियों में जाओगे या इधर जाओगे, उनको हाईवे में चलने का पूरा अधिकार है। इनके रस्ते को लेकर के जो ई रिक्शा है उनके संचालन से संबंधित, और कुछ दिन पहले जो टैक्सी यूनियन और जो विक्रम का यूनियन है उनसे भी हमारी बैठक हुई थी, तो दोनों में समन्वय बनाने की बात रखी गई है। और पर्सनल अगर किसी का इशू है तो CEO साहब के लिए हमने डायरेक्ट भी कर दिया है, जिससे कि उसको लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से वो देख लें और आवश्यक कार्रवाई जो उनके स्तर से आवश्यक होगी उसको वो देखेंगे। और बाकी ई रिक्शा यूनियन से भी हमारी बात हुई है, जिससे कि वो लोग भी जो हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उस पर जो हमारे रूल्स हैं उनको वो फॉलो करें। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा जगह जगह केंद्र बनाकर प्रतिदिन बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी क्रम में राधा स्वामी सत्संग नानक मत्ता के केंद्र में प्रतिदिन बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज नानक मत्ता नगर पंचायत चेयरमैन प्रेम सिंह टूना द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, जहां सत्संग के कार्यकर्ता व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा भीड़ को नियंत्रित करते हुए भोजन व जलपान की व्यवस्था के साथ बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस संबंध में नानक मत्ता नगर पंचायत चेयरमैन प्रेम सिंह टूना ने बताया कि राधा स्वामी सत्संग में चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर वहां की व्यवस्थाओं और सुविधाओं का आज मैंने निरीक्षण किया, सभी व्यवस्था दुरुस्त पाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन लगभग 1500 से 1700 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग में आज मैं और दोनों सर्वे करने के लिए गए थे कि कैसे कैसे सुविधाएँ दी जा रही हैं, तो हम लोगों ने जाकर देखा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है उन लोगों की, राधा स्वामी सत्संग वालों की, जिन लोगों के वैक्सीन लगते हैं जब लगवाने के लिए आ रहे हैं उनको चाय पानी ना बिस्कुट के साथ नाश्ता भी करवाया जा रहा है, और उन्होंने अपने सेवादार लगा रखे हैं, सारे रजिस्ट्रेशन वो कर रहे हैं और कंप्यूटर से सारा लिखा पढ़ी का काम वो खुद कर रहे हैं, खाली डॉक्टरों को सरकारी डॉक्टर वैक्सीन भी लगा रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था वहाँ करती है। वैक्सीन लगने के बाद फिर वो आधा घंटा रुकते हैं लोग, उसके बाद उसको किसी ने भोजन करना भोजन करके वो चले जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब कोई किसी तरह की भीड़ नहीं है। जानकारी जैसे मुझे मिली है कि एक दिन में 1600-1700 लोगों की वैक्सीन लग रही है, लगातार 1600-1700-1500 तब लोगों को वैक्सीन पर डे लगाई जा रही है। उधम सिंह नगर के सितारगंज में अवैध खनन की रोकथाम के लिए चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए खनन सामग्री से भरे हुए 6 वाहनों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें मंगलवार देर रात उप जिलाधिकारी सहित राजस्व विभाग की टीम द्वारा चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान से हड़कंप मच गया, वहीं पकड़े गए वाहनों को रात में ही मंडी परिसर में खड़ा करा दिया गया, जिनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चेकिंग अभियान में 6 वाहन पकड़े गए हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, साथ ही जो 3 वाहन फरार हुए हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल की सरोवर नगरी में बीजेपी मंडल नैनीताल के सदस्यता अभियान के तहत नगर की 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सभी महिलाओं ने राज्य अतिथि गृह में आयोजित समारोह के दौरान बीजेपी मंडल पदाधिकारियों की उपस्थिति में विधिवत बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट ने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराए गए कामों को आम जनता तक पहुँचाना है। वहीं मीडिया प्रभारी अशोक तिवारी ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व निकट है और इस पावन पर्व के दौरान बीजेपी में शामिल सभी बहनों का स्नेह शुभकामनाओं और आशीर्वाद जिस पार्टी परिवार के साथ हो उसकी जीत निश्चित है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।